formation of images. इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस. पहली कंडीशन क्या है, जब भी कोई लाइट रे, अब हम इसमें क्या करेंगे कि डिफरेंट पोजीशन पर इमेजेस ऑब्जेक्ट को रखेंगे. तो पहले हम लगेंगे या ऑप्टिकल सेंटर और इधर वाले फोकस के बीच में, यानी ओ और एफ1 के बीच में, फिर एट एफ1, फिर एफ1 और 2F1 के बीच में, इधर 2F1 होगा, ठीक है. उसके बाद 2F1 पे, उसके बाद बियॉन्ड द 2F1 और लास्ट इंफिनिटी. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, पहली पोजीशन हमारा पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1. देखिए ये इसका F1, ये F2, 2F1 और 2F2, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक. अब हमारी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, F1 और O के बीच में. When object is placed between F1 and optical center O, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, O ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है, ठीक है. अब पहली लाइट रे हम कहां से लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ठीक है. तो ये हमने पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, ठीक है, क्लियर. अब ये कहां से पास होगी, F2 से होके पास हो जाएगी, ठीक है. तो ये लाइट रे F2 से होके पास हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से होके पास हो गई. अब दूसरा कौन सा लेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लीजिए. जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में चली जाएगी. अब आप देख रहे हैं ये इधर से आई और इधर ही चली गई. अब आप देख रहे हैं लाइट रे, ये दोनों लाइट रे आगे जाकर डाइवर्ज हो रही है, आगे जाकर डाइवर्ज हो रही है. इसका मतलब सामने तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, इंटरसेक्ट कहां करेंगे, पीछे मिलाने पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है. इसकी डायरेक्शन ये वाली रिफ्लेक्टेड है, इसकी डायरेक्शन करके ले लो और इसकी डायरेक्शन ये ले लो. ठीक है, आगे जाके इंटरसेक्ट किया, ठीक. तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस. बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे ये बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी. अब आप देख रहे हैं पीछे डेड डेस करके मिलाया जा रहा है, तो कैसी होगी ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो इसकी पोजिशन क्या होगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे है. नेचर क्या होगा इसकी, वर्चुअल, आप देख रहे हैं सीधी है और वर्चुअल है क्योंकि पीछे बन रही है डेड डेस्क करने मिलाने पर. और तीसरी चीज क्या होगा इसकी, साइज, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या मैग्निफाइड कह सकते हैं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इसको मैग्निफाइड भी कह सकते हैं, क्लियर. सेकेंड पोजिशन, सेकेंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस या F1. अब हम इधर खिसकाएंगे तो F1 पे ले लें. सेकेंड केस, ये इसका F1, ये इसका F2, ये 2F1 और ये 2F2. अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F पे, ठीक है, क्लियर. पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होके पास हो गई. दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लो आप,
अब आप देख रहे हैं कि जो रिफ्रेक्टेड रे हैं दोनों राइट रे, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो न तो कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी और न ही बिहाइंड द ऑब्जेक्ट पीछे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इट मींस हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर हमारी इमेज जब भी लाइट रे पैरेलल हो जाती है। मिरर में भी बताया था आपको। दूसरा, क्योंकि ये सामने बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और साइज, इसका साइज कैसा हुआ? जब इंफिनिटी भी बनती है तो हाईली एनलार्ज इमेज बनती है, हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज, ये आपका होगा सेकंड केस, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे F1 पर रखा हुआ हो। तीसरी कंडीशन, अब आगे बढ़ जाइए F1 और 2F1 के बीच में। When object is placed between F1 and 2F1, F1, 2F1, oh sorry, F2, 2F1 और 2F2, ऑब्जेक्ट हमारा यहां प्लेस है F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है? तो पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F2 से होके पास हो जाएगी, ठीक है? दूसरी लाइट रे O से ले लीजिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगी। अब देखिए हमारी इमेज कहां बन रही है, इंटरसेक्शन का हो रहा है बियॉन्ड 2F2, 2F2 पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक? तो क्या होगा बियॉन्ड, पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड 2F2, ठीक है, सामने बन रही है कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड। तो एक तीन कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है? बियॉन्ड इसकी कैसी होगी? बियॉन्ड 2F2, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। चौथी पोजीशन, अब आप और पढ़िए, एट 2F1 पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2F1 पर, F1, F2, 2F1 एंड 2F2, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा 2F1 पर। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से होके पास कर दो, ठीक है? दूसरी इमेज हमारी ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए आप, ठीक है? इमेज हमारी जो बनती है वो 2F2 पर बनती है, ठीक? इधर 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज हमारी क्या बनेगी? 2F2 पर। रेडी हो गया? सीधा कर लीजिए, ठीक? अब इसका पोजीशन नेचर क्या होगा? एट 2F2, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इसकी इमेज बनेगी, सेम साइज ऑफ एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इसकी पोजीशन, नेचर एंड टाइम हो गया कि सेम साइज इमेज बनती है। जब हम 2F पर रखते हैं तो इमेज हमारे 2F पे ही बनती है। पांचवी कंडीशन, बियॉन्ड 2F1, F1,
एफ वन एफ टू टू एफ टू और टू एफ वन। अगली है आपकी बियॉन्ड टू एफ वन। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकसियो के पास कर दीजिए, ठीक है। दूसरी लाइट रे कहां से ले ले हम, सी से ले ले, वो क्या कहते हैं ओ से ले ले, ठीक है। ये इमेज बन गई हमारी, ठीक है। अब देख रहे हैं इमेज कहां बनी हमारी, कहां बनी इमेज, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, ये टू एफ टू है और ये एफ टू है। तो बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, एफ टू और टू एफ टू के बीच बनी, रियल एंड इन्वर्टेड है और लार्जर को क्या कहते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड भी बोलते हैं इसको। क्लियर, वो काफी छोटी है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पोजिशन एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे दिया हो, ठीक है, इंफिनिटी पे रखा हो, प्लेस किया हो, लास्ट कंडीशन है इसकी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी। आपकी बुक में ये दूसरे टाइप से दिया है, मैं इंफिनिटी के दूसरे टाइप से बता रहा हूं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। एफ वन एफ टू टू एफ वन और टू एफ टू, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख लीजिए, इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट रखा है आधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, आधा प्रिंसिपल एक्सिस नीचे, यहां से लाइट रे एक पैरेलल यहां से ले लीजिए, लाइट रे एक नीचे से ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल लाइट रे आएगी कहां से आएगी, टू एफ टू से पास होंगे, इधर चली गई, इधर चली गई, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां बना, वो क्या कहते हैं इमेज कहां बनी, एट टू एफ, क्या कहते हैं एट द फोकस, टू एफ एट टू एफ पर, एट टू एफ यानी फोकस पर इमेज बनी हमारी, ठीक है। अब फोकस पे सामने बन रही है तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और क्योंकि फोकस पर बन रही है पॉइंट साइज तो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होगी, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये छह कंडीशन आपकी कॉन्वेक्स लेंस में होती है, ये आपने देखी, और